ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बात करेंगे अजमेर के ब्यावर की, जहां पर लाखों की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि मुनीम ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा है। लूटी गई रकम यहां पर 17 लाख रुपए 92,000 की है, जहां पर पुलिस ने लूट में ली गई सामग्री भी बरामद की है और साथ ही 17,92,000 रुपए भी आरोपियों से बरामद किया है। तो ब्यावर में लाखों की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे जनटीवी संवाददाता हेमंत साहू ब्यावर से हमसे जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ अपडेट है जहां पर लाखों की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है? हाँ सर, कल शाम को ये यहाँ के बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान, तीन युवकों ने आके इस तरीके से एक बैग उठा के ले गए थे। उसको लेके इसकी सूचना मिलने पर दिन भर ये सारे व्यापारियों में एक तरह की सनसनी फैल गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसके मुनीम से पूछताछ की जी। और कड़ाई से पूछताछ करने पर ये उसने काफी कुछ उगला और उन्हीं की उन्होंने ट्रेस करते हुए दवाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले तीन युवक पकड़े गए और उनसे रुपए भी बरामद कर लिए हैं। कम से कम 17,92,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। जी हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जनटीवी संवाददाता हेमंत साहू हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि ब्यावर का मामला है जहां पर लाखों की लूट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो बरामद राशि है उसकी कीमत 17,92,000 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।